नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन है IDFC फर्स्ट बैंक का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है डेली का। जैसे कि हम प्रीवियसली बहुत बार एनालिसिस किए कि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है। एक्जैक्टली अगर आप स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, रिपीटेडली हिस्टोरिकली सेम ही सेटअप बन रहा है, एंड जैसे ही प्राइस रेंज को ब्रेकआउट करता है आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में प्राइस को यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिला था। ब्रेकआउट करने के बाद ये अप ट्रेंड एस्टेब्लिश किया था। फिर से प्राइस देखे यहाँ पे मल्टीपल टाइम एक ट्रेंड लाइन से सप्लाई मिला था, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ये अप ट्रेंड किया था। फिर से देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला था, ब्रेकआउट के बाद ये अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ था। एग्जैक्टली देखिए वही टाइप का सेटअप अभी जो ईयर 2023 में स्टॉक का प्राइस टॉप क्रिएट कर देने के बाद देखिए इस ब्लू लाइन से प्राइस को पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है, एंड स्टॉक का प्राइस के लिए जो ब्लू लाइन था मेजर रेजिस्टेंस, जिसको प्राइस देखिए फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट किया। आज पर तो प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, इसी केस में ब्लू लाइन ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही प्राइस रिटेस्ट किया वही लेवल देखिए यहाँ पे मेजर सपोर्ट जैसा काम किया ए ट्रेंड लाइन जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस था। एंड जिस टाइप का हिस्टोरिकली ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्मेंस किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। एंड इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 92, एंड जो सेकंड टारगेट बनेगा 100, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में 92 एंड 100 इस दोनों टारगेट को स्टॉक का प्राइस टेस्ट कर सकता है। उसके साथ अगर दिग्गज ब्रोकरेज का रिपोर्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट का जो टारगेट है इस स्टॉक को लेकर वो है 104 का, जो कि हमारे टारगेट के आसपास है। एंड जो सेकंड हाइस्ट टारगेट है ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड का, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर प्रेडिक्ट किया है टारगेट 95 का। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में 95 एंड 104 को भी टेस्ट कर सकता है एज पर द ब्रोकरेज रिपोर्ट एंड एज पर द टेक्निकल चार्ट सेटअप। तो स्टॉक को आपका रडार में रखना चाहिए, क्वांटिटी को मैनेज करना चाहिए एंड एनालिसिस को ऐड करना चाहिए, और उसका जो प्रीवियस स्विंग लो के आसपास स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं जो कि नियरली बन रहा है 76 के आसपास रिस्क को डिफाइन करने के लिए। मैं आशा करता हूं आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।